ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जर्मनी के बीच 25 वर्षों की मजबूत साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। किस तरीके से देखते हैं भारत और जर्मनी, जर्मनी जिसको पूरे विश्व का एक इंजीनियरिंग का हब माना जाता है, नई तकनीक हो या नया इनोवेशन हो, हमेशा जर्मनी इस मामले में आगे रहता है और भारत का व्यापार भी जर्मनी के साथ बहुत अधिक है, तो ये जो हमारी आपसी व्यापारिक संबंध है इसके बारे में बहुत सारे आज भी समझौता पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और जर्मनी का ये रिश्ता किस तरीके से देखते हैं? भारत और जर्मनी के रिश्ते कुछ सालों से बहुत घनिष्ठ हुए हैं। इसके दो या तीन कारण हैं। एक तो जर्मनी की चाइना के ऊपर जो रिलायंस थी काफी सालों से काफी स्ट्रेंथन हो चुकी थी। आजकल के जियोपॉलिटिक्स में जरूरी है कि जर्मनी दूसरे देशों की ओर देखे और डाइवर्सिफिकेशन अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लाए। दूसरी बात, भारत एक बड़ा मार्केट है जर्मनी के लिए और भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, एक लेबर फोर्स है, जर्मनी को इसकी जरूरत है। जर्मनी के पास तकनीक है और कैपिटल है। हम देख रहे हैं कि आजकल 2000 कंपनीज जर्मनी से भारत में पहले से ही आ चुकी हैं, काफी सक्रिय हैं। इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखें तो $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जर्मनी का भारत में हो चुका है और इसके साथ साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है वो भी 26 बिलियन का तक पहुंच चुका है। लेकिन भारत को जर्मन तकनीक की जरूरत है और जर्मनी को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की जरूरत है। इसके साथ साथ जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ खामियां हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जैसे नर्सिंग है, होम केयर है, इसको देखें तो जर्मनी चाहता ही है कि भारत से उस तरह की वर्कफोर्स तैयार की जाए और जर्मन इकोनॉमी में काम करे। पिछले कुछ सालों से ये जो प्रयोग है काफी सफलतम रहा है और भारत के जो स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ते हैं उनका नंबर भी काफी बड़ा है। 50,000 भारतीय स्टूडेंट्स आजकल जर्मनी में पढ़ रहे हैं। आगे चलकर ये नंबर और भी बड़ा होगा। जर्मनी देखता है कि भारत एक पोटेंशियल भरा हुआ देश है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जर्मनी के कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके साथ में जो व्यापारिक यहाँ पर आए हैं समझौतों के लिए, वो फ्यूचर डायरेक्शन की तरह दिखाता है। जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है। जर्मनी भी भारत को एक विशिष्ट साझेदार के तौर पर देख रहा है और वहाँ उन्होंने भारतीयों के लिए स्किल्ड मैन पावर के लिए वीजा भी बढ़ाए हैं। ये जो सारा परिप्रेक्ष्य है उसको आपसी संबंधों में कितना प्रगाढ़ता महसूस कराता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। जैसा कि आपने बताया, भारत की ओर से जर्मन मार्केट में अपने स्किल्स देने की क्षमता है और जर्मनी ये भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक में भारत के साथ उसकी पार्टनरशिप बढ़े, क्योंकि चीन का प्रभाव यूरोपियन देशों को भी हलने लगा है। और आगे चलकर डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी भारत और जर्मनी के बीच के जो समझौते हैं उनका इफेक्ट दोनों देशों पर पड़ेगा। भारत को भी जरूरत है जर्मन तकनीक की और जर्मनी ने, जैसा आपको मालूम है, एक सबमरीन टेंडर पर बिड किया हुआ है। जर्मनी चाहेगा कि यहाँ पर रक्षा समझौतों के तहत भारत में प्रोडक्शन बढ़े जर्मन कंपनीज की, और इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दर्शाता है। जर्मनी के कैबिनेट मिनिस्टर जो इंडिया फोकस के तहत अभी इंडिया में आए हैं इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के लिए, उनकी जो वार्ता जो होगी भारतीय कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, उसमें भी कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश ये खोज करेंगे कि आपस में किस तरह से एक दूसरे के लिए आदान प्रदान आगे बढ़ाया जाए। भारत और जर्मनी की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये उसका 25वां वर्ष है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं इस पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई, नई बुलंदी पर ले जाने का मादा रखते हैं, तो किस तरीके से, खासतौर पर जैसे जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व का एक तरीके से स्ट्रेटेजिक स्रोत माना जाता है। हमारे पीयूष गोयल जी ने भी आज कहा कि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी हरित प्रौद्योगिकी, इस मामले में भारत और जर्मनी का तालमेल जो है वो विश्व के लिए कितना सार्थक सिद्ध होगा और ये दोनों देशों के आपसी व्यापार को बढ़ाने में कितना सहायक सिद्ध हो सकेगा?
जर्मनी एक तकनीकी देश है। जर्मनी में इनोवेशन पर बहुत जोर दिया जाता है, कई सालों से दिया जा रहा है, और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि इसकी डाइवर्सिफिकेशन हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, और जो नए तरीके के टेक्निक्स हैं उसमें भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप बहुत ही सुदृढ़ हुई है। और इसी क्षेत्र में 2022 में दोनों देशों के बीच कई सारे समझौते भी हुए थे, उनको आगे ले जाया जाए, किस तरह आगे ले जाया जाए, इस पर बातचीत अभी जारी है। ये जो करंट वार्तालाप हो रहा है इसके तहत भी दोनों तरफ से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में बात करेंगे, और आपने पीयूष गोयल जी का जिक्र किया जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और इनोवेशन का महकमा भी उनके पास है। उनको मालूम है कि जो कुछ ही देश ऐसे है दुनिया में जो भारत के साथ तालमेल रखते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने मुझे ये भी पूछा था कि ये रेजिलियंट सप्लाई चेन्स का मामला जो है वो आजकल पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। जर्मनी को मालूम है कि उन गिने चुने देशों में भारत एक ऐसा देश है जो कि एक सक्रिय पार्टनर बन सकता है जर्मनी के लिए आगे चलकर, और भारत को भी मालूम है कि जर्मनी की जो तकनीक है उसको किस तरह से अपनाया जाए और किस तरह से अपने जो स्किल्स हैं उनको उसके अनुरूप ढाला जाए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों देशों का जो फिट है वो बहुत ही अच्छा बैठ सकता है, और दोनों देश नंबर 3 और नंबर 5 पर हैं विश्व भर में। क्षमता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आगे चलकर पोटेंशियल है, दोनों के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और ये जो पार्टनरशिप बनेगी उसके चलते हम देखेंगे कि दोनों का आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत और जर्मनी आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी कैंडिडेट हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि दोनों समझते हैं कि दोनों देश के पास वो प्रिंसिपल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस को आगे ले जा सके। भारत और जर्मनी के बारे में भारतीय की संभावनाओं को बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। अनिल जी, दो चीजें और जानना चाहूंगा। जिस तरह से जर्मनी, मैंने पहले भी आपसे हमने आपस में बातचीत में कहा कि जर्मनी हर बार नई तकनीक हो या नया इनोवेशन हो या नई टेक्नोलॉजी हो, उसके मामले में जर्मनी विश्व को एक नई दिशा देता रहा है। भारत को इससे सीधे तौर पे कितना फायदा मिल सकता है, खासतौर पे तब जब भारत में स्टार्टअप्स, नई तकनीक वाली चीजें, नया इनोवेशन एक बेहतर अवस्था में है और इसमें भी बहुत तेज उछाल आ रहा है, तो इसको कितनी गति मिलने की संभावना है भारत और जर्मनी के बढ़ते रिश्तों से? भारत के पास जो यूनिकॉर्न है उनकी भी संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। इनोवेशन में भारत कुछ गिने चुने देशों में से एक है, और आगे चलकर कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है भारत जैसे देश को, ताकि और भी कंपनियां और भी स्टार्टअप्स भारत में ऊपर आ सकें और अपने इनोवेशन से विश्व भर में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। जर्मनी के पास वो कैपिटल इन्फ्यूजन की क्षमता है, और जर्मनी जानता है कि भारत में जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और जो क्वालिफाइड स्किल्स हैं भारत के पास, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए और आपस में सहयोग करके किस तरह से दोनों देशों को फायदा पहुंचाया जाए। तो इसीलिए जर्मनी इस पर काफी रुझान रखता है और अपने कैपिटल से इन्फ्यूज करके जर्मन इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि वेन वी मीट वी मीन बिजनेस, लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता, भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग में का भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इन सब सारी चीजों में। प्रधानमंत्री जी का जब विजन आता है कि हम सिर्फ बिजनेस के साथ साथ अपने कल्चर को और इस चीजों को पे भी जोर दें, तो ये आपसी संबंधों को कितना गहराई प्रदान करता है, खासतौर पे तब जबकि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी युवा वर्ग की है जो इनोवेशन हो चाहे इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो उसमें बेहतर और नई भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो जर्मनी के लोग समझते हैं, सारे फेस्टिवल्स भी मनाए गए हैं, और जिस तरह से जर्मनी अपना अक्टूबर पे फेस्ट मनाता है उसी तरह से भारत की दिवाली और होली और इस तरह के त्योहार जर्मनी में आजकल बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं।
इसके दो या तीन कारण हैं। एक तो जर्मन टूरिस्ट भारत काफी आना शुरू हो गए हैं, दूसरा भारत की स्टूडेंट्स की संख्या जर्मनी में बहुत बड़ी है, 50,000 जो स्टूडेंट्स वहां पर रहते हैं उनका आगे चलकर जर्मन इकोनॉमी पर इफेक्ट और कल्चर पर इफेक्ट बहुत पड़ेगा। और इसके साथ साथ जर्मनी के लोगों को भारत के कल्चर में काफी दिलचस्पी है। आपने भारत के खान पान और गारमेंट इंडस्ट्री है उसका भी जिक्र किया, और जर्मनी में ये काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, कई सारे भारतीय रेस्टोरेंट जर्मनी में खुल चुके हैं, और इसी तरह से भारत के जो टेक्सटाइल्स हैं जर्मनी में बहुत पॉपुलर हैं। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत ही सुदृढ़ होंगे। भारत ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही साथ प्रोडक्टिव इंसेंटिव के तौर पे सेमीकंडक्टर्स को काफी बढ़ावा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल ये जानता था कि सेमीकंडक्टर्स या इस तरह की चीजें जो हमारी तकनीक को नए आयाम तक पहुंचा सकती हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, और हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पे, खासतौर पे चीन पे कम होनी चाहिए। जर्मनी और भारत के ये जो व्यापारिक संबंध हैं ये उसमें कितनी मदद करेंगे आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से जर्मनी को मालूम है कि चीन के ऊपर जो डिपेंडेंसी बनी है जर्मनी की, उसको भी घटाया जाना चाहिए, और कई सारे कंपनियां जो चीन में काम करती थीं भारत की तरफ देख रही हैं। उनमें से दो महत्वपूर्ण फील्ड आपने गिनाए, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन का और एक सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स का फील्ड हम देखें तो जर्मनी कुछ देशों में से एक है जिसमें कि सेमीकंडक्टर्स की तरफ रुचि है, और उनका मानना है कि आगे चलकर जो डिपेंडेंसी चीन पर बनी है उसको जरूर हटाना चाहिए। और एक सेमीकंडक्टर में एक अलायंस भी बनी है दुनिया के सारे देशों के बीच चीन को छोड़कर, और उसमें भारत अभी अभी शामिल हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स भी उसमें शामिल है, कोरिया भी उसमें शामिल है, नेदरलैंड्स भी है और जापान भी है। जर्मनी चाहेगा कि भारत जैसे देश के साथ इस फील्ड में सार्थक कदम उठाए जाएं ताकि दोनों इकोनॉमीज को इसका लाभ मिल सके। ग्रीन हाइड्रोजन भी एक इनोवेटिव फील्ड है जिसमें भारत काफी दिनों से कुछ प्रयास कर रहा है, और एक बड़ा हाइड्रोजन मिशन भारत में चल रहा है। तो जर्मनी की जो कंपनीज हैं उनकी भी एनर्जी सिक्योरिटी की उनकी तरफ से देखें तो उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि नए नए एनर्जी के स्रोत दुनिया भर में मिले, और जो उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उसको कम किया जाए, ताकि जो एनवायरमेंट इफेक्ट से होता है उसको घटाया जाए और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जर्मनी और भारत साथ साथ चल पड़े। जी, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। मैं साथ ही साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा, सितंबर माह के अंत में जर्मनी में जो वैश्विक टेक्निकल और इंजीनियरिंग का फेयर हुआ था उसमें भी भारतीय और भारतीय कंपनियों का भी बहुत बड़ी उपस्थिति नजर आई थी। तो भारत और जर्मनी के जो ये इंजीनियरिंग, क्योंकि जर्मनी इंजीनियरिंग के मामले में या इनोवेशन के मामले में एक ग्रोथ इंजन कहा जा सकता है, तो इस तरीके से जब भारत का यंग टैलेंट या भारत का जो इनोवेशन और जर्मनी के इंजीनियरिंग की जो एक मजबूत रीढ़ है, ये जो दोनों आपस में जब मिलेंगे तो वैश्विक तौर पे कितना बड़ा व्यापार और कितनी मजबूत हम दोनों की, भारत और जर्मनी की स्थिति हो सकेगी? देखिए, काफी सालों से भारत की यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर और हाल ही में चीन के ऊपर मशीनरी के को ले लें तो उसमें एक डिपेंडेंसी बन चुकी थी, इसीलिए भारत ने अब पीएलआई स्कीम चलाए हैं और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दे रहा है। जी आगे चलकर यदि जर्मनी और भारत इस फील्ड में काम कर सके, जर्मनी एक मशीनरी का पावर हाउस है, एक टेक्निकल पावर हाउस है, और अगर ये सहयोग आगे बढ़ेगा तो भारत भी अपने यहाँ पर घर ही में उसी तरह की मशीनरी उत्पन्न करने में, प्रोड्यूस करने में भारत को सहायता मिलेगी। जी इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और जो फॉरेन एक्सचेंज की जो बचत है वो भी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। जी तो मैं समझता हूँ ये पार्टनरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और जर्मनी के आपसी संबंधों के बारे में बातचीत कर रहे थे हमारे साथ पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत जर्मनी के बीच 25 वर्षों की मजबूत साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है